हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल एक्सप्लेन है। ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसके अलावा एसएससी के भी कई सारे एग्ज़ाम होने हैं, तो उसमें ये सारे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं पूछे जाने की संभावना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये एक्सप्लेन क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर एक देखिए आप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप की 51वीं यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको अभी हाथ के हाथ इन सवालों का जवाब देना है, और इसके जो एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, वो आप नीचे देख सकते हैं। जैसे कि इसका आंसर हो जाता ए, हो जाता के वज्र। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 जनवरी 2020 को के वज्र टी तोप को 21वीं यूनिट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसे नवंबर 2018 में सेना में शामिल किया गया था। के वज्र तोप को कोरियाई सेना के द्वारा उपयोग किया जा रहा था, जिसे कि K-90 का भंडार कहा जाता था एक प्रकार से। तो इस तरह से जो एक्सप्लेन क्वेश्चन है, इसके जो आंसर होंगे बिल्कुल एक्सप्लेन होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में किस तोप को यूनिट 51 में शामिल किया गया है। इसका आपको सही जवाब देना है। सही जवाब के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए के वज्र, ऑप्शन दो है MK-777, उसके बाद RZ-22 और TP-202। इसका आंसर हालांकि मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोगों को पता हो चुका है इसका आंसर जो है के वज्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उससे जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जवाब दे पाए। कमेंट में आप अपना जवाब फटाफट लिखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन मैं वीडियो के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा पूरे डिटेल भाई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजातीय समुदाय के लोगों को शरणार्थी को त्रिपुरा में बसने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है आपको मिल रहा है, ऑप्शन ए जयंतिया, ऑप्शन बी ब्रूरियांग, ऑप्शन सी रेगमा बोडो, ऑप्शन डी द्योरी गोरो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। अगर आप लोगों को सही जवाब नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही जवाब है ब्रूरियांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। यानी कि जो इंडेक्स जारी किया गया है हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है, ये बताना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 66 या ऑप्शन डी 84। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया है। जिनको सही जवाब नहीं पता है उनको बता दूँ कि इसका सही जवाब होता है 84। इंडिया का पासपोर्ट रैंकिंग में है 84वां नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उन्नत तनाव के मद्देनज़र तेहरान में आयोजित होमर्ज पीस इनिशिएटिव में भारत द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है। तो इसका ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है इराक, पाकिस्तान, ईरान या बांग्लादेश। अगर आप लोगों को सही जवाब नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सही जवाब जो है ईरान है। और जिन्होंने सही जवाब कमेंट में दिया है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और वो लोग अपनी तैयारी जारी करें, इस तरह से आगे के भी क्वेश्चन का जवाब देते रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से एरियन 5 पर क्षेपण यान के माध्यम से किस संचार उपग्रह को हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। और आपके पास ऑप्शन है GSAT-30, INSAT-4A, GSAT-10 या मिल स्टार। जिन लोगों ने सही जवाब दे दिया सही है, अगर जिन्होंने सही जवाब नहीं दिया उनको बता देता हूँ, इसका जो सही ऑप्शन है वो है GSAT-30। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सालाना कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुल कितने खिलाड़ियों का नाम शामिल है।
और आपके पास जो ऑप्शन है वो है 40, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी जो है 27। ये हाल ही में एक हफ्ते पुराना करंट अफेयर जिसमें आपने जाना होगा कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल नहीं किया गया, तो इसमें कौन से 27 खिलाड़ी हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है। तो जिन्होंने सही जवाब दिया उनको बधाई फिर से एक बार, और आप अगर आपको सही जवाब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आपका सही जवाब था ऑप्शन डी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और किस देश ने तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजनिंग अभ्यास आयोजित किया है, और आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रूस। अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया ठीक है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसका सही जवाब है जापान। जापान और इंडिया ने तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजनिंग अभ्यास जो है प्रैक्टिस वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है, और आपके पास जो ऑप्शन है वो है कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ या वाराणसी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही जवाब दिया है, अगर आप लोगों को जवाब नहीं पता था इसका तो मैं आपको बता दूँ इसका सही जवाब जो है लखनऊ है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अनिवार्य एकता विधेयक को पास किया है, और आपके सामने जो ऑप्शन है वो है भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी तिब्बत। अनिवार्य जातीय एकता विधेयक कौन से कंट्री ने पारित किया ये आपको बताना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो है तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा किस देश के लिए नया प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी कि रशिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर है जिनको कि व्लादिमीर पुतिन ने चुना है उनका नाम बताना है, और इसका जो ऑप्शन है आपके सामने वो है मिखाइल बी मुस्तिन, जॉर्ज अल्बर्ट क्वाइस्टाइन, सी जेनेट मैक्सिक, डी बी एस विलियम। अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो इसका सही जवाब आपको मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब है मिखाइल बी मुस्तिन। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया है, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि इनमें से कौन होंगे, और आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, या ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो, या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री केपे शर्मा ओली। और अगर आप लोगों ने सही जवाब दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो सही जवाब है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सनारो जो होंगे 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में, यानी कि आज से 3-4 दिन बाद जो समारोह होगा उसमें शामिल होंगे 26 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 हेतु प्रसिद्ध संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को चुना गया है, और आपके जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दूँ इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में 82 देशों की सूची आई है जिसमें कि भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना है, और आपके सामने ऑप्शन है 76वां, 65वां, 82वां, 45वां। तो आपको बता दूँ इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 76वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, IMF वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत का GDP वृद्धि दर का अनुपात 6.1% से घटकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है, यानी कि भारत का जो GDP जो 6.1 था वो घट के कितने परसेंटेज होगा ये आपको बताना है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में भारत का GDP दर क्या है, तो आपको बता दूँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.8%। आप लोग क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ तब तक आप ऑप्शन देख के आंसर देने का कोशिश करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी
भाजपा के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से किन्हें चुना गया है? आपके सामने ऑप्शन है अमित शाह, डी राधामोहन, सी राजनाथ सिंह या डी जेपी नड्डा। तो आप लोग को इसका सही जवाब पता होना चाहिए। जो इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का पहला स्क्वाड्रन मिला है, जिसे किस मिसाइल से लैस किया गया है? तो इसके जो ऑप्शन है अग्नि, नाग, ब्रह्मोस या त्रिशूल। तो आपको बता दूँ सही जवाब इसका ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस को जो है M30 के साथ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? और आपके पास जो ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो आपको बता दूँ इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील इरावदी डॉल्फिन की संख्या 146 बताई गई है? या फिर सीधे सीधे समझिए आप चिल्का झील जो है कौन से राज्य में है। और आपके पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो अगर आपको हिंट्स मिलता है तो उससे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये सीख रहे हैं इसका सही जवाब होता उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग कल्याण हेतु राज्य के प्रमुख स्थलों पर दिव्यांगों को दुकान के लिए स्टॉल उपलब्ध कराई जाएगी? यानी कि कौन से राज्य सरकार है जो कि दिव्यांगों के लिए जो भी कल्याणकारी जगह होते हैं राज्य सरकार वहाँ पे स्टॉल खुलवाएगी, यानी कि एक तरह के शॉप खुलवाएगी। और आपके पास ऑप्शन है बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार। तो आपको बता दूँ इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी जी के सरकार ने निर्णय लिया है कि दिव्यांग को एक छोटी मोटी शॉप खोल के दी जाए ताकि वो अपने जीवन को सही तरीके से निर्वहन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस देश के PM KP शर्मा ओली से जोगबनी विराटनगर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? तो आपको बताना है सीधा सीधा समझिए कि KP ओली जो है ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ये क्वेश्चन अभी ये ऑप्शन था दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको इसका हिंट्स मिल गया होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में हिंट्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नेपाल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे और आपको मैंने यही बताया कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।